मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई इन आवारा कुत्तों के आतंक में जी रहा है। शहर की सड़कों, कॉलोनी और मोहल्ले में जहां देखो वहां आवारा कुत्तों का जमघट लगा हुआ है। ऐसे में अब गर्मियों की जगह सर्दियों में भी डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन पर कंट्रोल करने वाली संस्था आंख बंद करके बैठी है। देखिए, ग्वालियर धीरे धीरे इन मामलों में अव्वल होता जा रहा है और काफ़ी समय से देखने को आ रहा है कि जो गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में बच्चे बहुत शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन मामले बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन की और प्रशासन की लापरवाही है और जो लोकल स्तर पर नगर निगम के कर्मचारी काम करते हैं, नगर निगम की पॉलिसी है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। जिन लोगों को इस काम को करने के लिए ठेका दिया गया है, डॉग्स को पकड़ने के लिए ठेका दिया गया है, वो संस्था भी कहीं नज़र नहीं आती है, वो लोग भी कहीं नज़र नहीं आते हैं। लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है कि आए दिन ऐसे मामले, डॉग बाइट्स के मामले आए दिन सुनने में आते हैं। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 24 दिन में 490 से ज्यादा केस अब तक जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनसीडी की डॉग स्क्वाड की टीम भी फेल हो चुकी है। आवारा कुत्ते न केवल इंसानों बल्कि गाड़ियों के पीछे भी पड़ जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी असंतुलित हो जाती है और गिर जाती है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, जैसे गाड़ी वगैरह हम लोग चलाते हैं तो कुत्ते कई ऐसे आवारा जो गलियों में रहते हैं वो अचानक से एक तरह का हमला भी कर देते हैं। कभी कभार पीछे दौड़ जाते हैं, जिससे ये होता है कभी कभी गाड़ी अनबैलेंस भी हो जाती है, गिर जाने का भी खतरा रहता है। और जो पहले पकड़ने का काम भी होता था, अब वो शायद एक तरह का बंद हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा नगर निगम किस प्रकार से जो कुत्ते हैं पकड़ने का काम अभी नहीं कर रहा है। इससे काफ़ी असुविधाएँ यहाँ पे हो रही है नागरिकों को। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में लगभग 2 महीने पहले बंद हो चुके कुत्तों की नसबंदी सेंटरों में अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इनके बर्थ कंट्रोल पर भी काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इनकी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डॉग बाइट के मामले अपने ग्वालियर शहर में थोड़े से अभी ज़्यादा बढ़े हैं, ये बिल्कुल सही है। और इनकी रोकथाम के लिए नगर निगम का काम है वो कर रही है, अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर हम लोगों ने पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लिया है कि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन हमारे हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। ग्वालियर जिले में आवारा कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ रही है। करीब 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते ग्वालियर जिले में मौजूद हैं। लिहाजा सरकार 10 लाख रुपए का ठेका भी दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शहर में लगातार आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इसे पकड़ने वाली संस्थान इसकी रोकथाम के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जिस तरह से आप रोज देख रहे हैं अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, ग्वालियर में रोज इस तरह की डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही हैं। आज हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, यहां तक कि मैं खुद खड़ा हूं, मैं अगर लेट हो जाता हूं रात में घर जाने में तो मुझे कुत्तों से डर लगता है। मेरा ये मानना है कि जिनको भी जिस संस्था को ये काम दिया गया है वो संस्था पूरी तरह से इन काम में खरी नहीं उतर रही है। और मैंने अभी पता किया तो मुझे ये भी मालूम पड़ा कि जो कुत्तों की नसबंदी का सेंटर है वो भी बंद पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। देखा जाए तो आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी कराने में 5 साल में 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक रहेगा। और इसी तरह शहर के सड़कों से लेकर कॉलोनी मोहल्ले तक शहरवासी, खास करके बच्चे, डॉग बाइट का शिकार होते रहेंगे।